जी मैं हूं एहसान कुरैशी और आप देख रहे हैं A24 न्यूज़। आपके दिमाग का बल्ब होना जाए फ्यूज, देखते रहें A24 न्यूज़। चारों तरफ है जिसका शोर, उसे ही तो कहते हैं A24। देख रहे हैं ना, प्यार से देखते रहिए। थैंक यू। सब महमूद रहमान कमेटी में आ चुका है और ये देने से कतराते क्यों है भाई? देने से कतराते क्यों? दीजिए प्लीज आप भाई। महाराष्ट्र स्ट्रांग होगा ना, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, ये सेकंड बड़ा प्रदेश है महाराष्ट्र। अगर मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा तो देश मजबूत होगा, महाराष्ट्र मजबूत होगा। या इतने नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनको जस्टिस मिलेगा तो। और मोदी सरकार से मैं इम्तियाज साहब शुरू से पार्लियामेंट बोल रहे हैं, आप हमारे स्पीच उठा के देख लो, 50% रिजर्वेशन लिमिट को ब्रीच करो आप। आप क्यों नहीं करते मोदी सरकार? भाई आप एक मोदी है तो मुमकिन है ऐसा मार लेते, टार्जन की तरह शाही मारते। तो भाई आप 50% ब्रीच कर दो ना, 50% ब्रीच कर दो। देश में 80% आबादी बैकवर्ड क्लासेस की है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज की है। इन सब को आप अकोमोडेट कर सकते हैं। जिस देश में आप अपर कास्ट को आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन दे दिए भाई, जो 50% है उन्हें 28% में खेल लेना, और जो 10% 20% मिल रहा है उनको, ये क्या है? ये असल बीजेपी का हिंदुत्व है। लोकसभा इलेक्शन है सामने, 2 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, किस तरह से आप इस चुनाव लड़ने वाले हैं, संभाजनगर की क्या स्थिति रहेगी? नहीं नहीं अच्छा रहेगी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की आवाम ने जो कैंडिडेट को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया और यहाँ की जनता को ये लगता है कि भाई हमारा MP है, हर समुदाय बोलता है कि हमारा MP है ये, इसने पार्लियामेंट में इतने मुद्दे उठाए, इतने जनता की बातें की। आप देखिए कि वो कौन सा स्कैम हुआ था, फाइनेंशियल स्कैम क्या था वो, बैंक का, हाँ फोन उठाया, वो सत्ता में रहने वाले भूल गए, इम्तियाज साहब जाकर उनका हाथ पकड़े, उनके आंसू पहुंचे। तो हम अच्छा पोजीशन है, हमको यकीन है कि ना सिर्फ यहाँ से बल्कि हम महाराष्ट्र में और भी पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा रहे, कामयाब होंगे हम। दूसरा जो अपने इसमें मुद्दा होगा कि इम्तियाज साहब को सब समाज के लोग लाइक कर रहे हैं, तो ये जो मॉडल MIM का इम्तियाज साहब ने संभाजीनगर में डेवलप किया, क्या MIM ये मॉडल सब तरफ यूज करेगी? देखिए ये मॉडल हर जगह चल रहा है ना, ये मॉडल मैं भी हूँ, ये मॉडल इम्तियाज साहब भी है, ये मॉडल ही है। और हमारा मॉडल जो है वो अप टू डेट है, दूसरों का मॉडल बहुत पुराना है, 1925 का मॉडल है RSS का, हमारा मॉडर्न मॉडल है। अच्छा। और ये मॉडल बहुत अच्छा है, और इम्तियाज साहब का मॉडल भी अच्छा है, वो खुद एक मॉडल की तरह है। मजाक में बोल रहा हूँ, कोई किसी को नाराज नहीं हो जाएंगे। लेकिन MIM सब समाज को साथ लाने की शुरू से हमारी कोशिश ये है, शुरू से ये। लेकिन पिछली बार जब इम्तियाज जलील की जीत हो गई थी तब आपके साथ वंचित बहुजन आघाड़ी थी, इस बार नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बाड़ा साहब की इज्जत करता था, आज भी करता हूँ और कल भी करता रहूँ, और हमेशा हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ। तो फिर से उनको गुहार लगाएंगे? देखो आप इतने बड़े आदमी का नाम लिए हैं तो मैं उनको ऐसे ही बोल सकता हूँ। तो बाड़ा साहब जो है वंचित बहुजन आघाड़ी इंडिया आघाड़ी में जाने की कोशिश कर रही है, पीछे इम्तियाज साहब वो उन्हें जवाब देंगे, मैंने जवाब। लेकिन सवाल आपके लिए है कि इम्तियाज साहब पीछे बोले कि हमें भी इंडिया आघाड़ी में ले लो, तो उनकी तरफ से आपको कुछ इस तरीके का प्रस्ताव है या आपकी तरफ से कोई? आप पूछिए उन लोगों को क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे को तो नहीं मालूम। जी